नमस्ते, हमारा नाम डॉक्टर लासिसाई सिंधु है। हम एक ENT सर्जन है और न्यूरोटोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में जो बहुत ज़्यादा घूरते हैं। तो हम सबको पता है घूरना जो है बड़े लोगों में हम काफ़ी देखते हैं और ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। बट अगर आपका छोटा सा बेबी है, ये 2 साल का है, 3 साल का है और ये बहुत ज़्यादा घूरता है, या थोड़े लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके बच्चे मुंह खोल के सोते हैं, एकदम मुंह खोल के, और थोड़े लोग आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे जो है एकदम सीधा, मतलब छित्ता नहीं लेट पाते हैं, और वो लोग पिल्लो मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि बहुत ज़्यादा पिल्लो डाल लेते हैं, ऑलमोस्ट बैठे बैठे सो जाते हैं। अगर ये बच्चे लेटते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होता है। और इन बच्चों में अगर आप देखोगे, फेस का एक्सप्रेशन भी थोड़ा डल रहेगा, और ये मुंह का पहला जो पार्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ आएगा, और उनके दांत भी जो है वो क्राउडेड फॉर्म होते रहेंगे। और ये बच्चे हमेशा स्कूल में भी ऐसा सोते रहते हैं, और एकेडमिक्स पे भी ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। थोड़े बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि नाक के पीछे का टॉन्सिल एडिनोइड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों में नाक के पीछे जो है एक टॉन्सिल रहता है जिसका नाम है एडिनोइड, और ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब 13 साल के बाद वो खुद ही पूरी तरह से कम हो जाता है। लेकिन थोड़े बच्चों में जो है जब एडिनोइड होता है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आपके बच्चों में नाक के पीछे का टॉन्सिल यानी एडिनोइड का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो उनको नाक से सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। उस वक्त ये बच्चे जो है मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, और हमेशा इनका मुंह खुला ही रहता है। स्पेशली जब ये बच्चे सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं, और इनमें घूरना ये सब हम देख सकते हैं। और थोड़े बच्चे ऐसा भी होते हैं जो एकदम नींद से अचानक उठ के बैठते हैं, क्योंकि उनको सांस नहीं आता है। तो इसको हम एपनिया बोलते हैं, स्लीप एपनिया। तो वो लोग, ये बच्चे नींद में से उठ के बैठ जाते हैं। यूजुअली एडिनोइड के साथ इन लोगों में टॉन्सिल का भी प्रॉब्लम होता है, बार बार सर्दी खांसी होना, ये सब हम ऑब्जर्व करते हैं, गले का दर्द होता है, बार बार बुखार होता है। पहली चीज़ ये जानने और समझने के लिए एक्सरे करना पड़ेगा, और अगर एडिनोइड का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसके साथ टॉन्सिल में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो पहले हम मेडिसिन से ट्राई करेंगे। लेकिन अगर मेडिसिन से फिर भी नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।